राजस्थान में कांग्रेस एक बार फिर फंस गई है। पिछली बार सचिन पायलट को मनाकर कांग्रेस ने सरकार तो बचा ली, लेकिन पंचायत चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अब बिखरने लगी है। सीएम अशोक गहलोत के सामने अब सियासी संकट खड़ा हो गया है। दरअसल भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी के दो विधायकों ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। जानकारी के मुताबिक पंचायत समिति चुनाव में मिली हार से विधायकों ने समर्थन वापस लेने का फैसला किया है। विधायकों ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस की वजह से ही वो डूंगरपुर में अपना जिला प्रमुख और तीन पंचायत समितियों में प्रधान नहीं बना पाए, जबकि बहुमत उनके पास था। ऐसे में हम राज्य की गहलोत सरकार से अपने रिश्ते खत्म कर रहे हैं। विधायकों के इस्तीफे के बाद अभी तो सरकार स्थिर है, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले अशोक गहलोत ने राज्य में एक बार फिर सरकार गिराने की हलचल शुरू होने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी राजस्थान और महाराष्ट्र में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार गिराने की कोशिश कर सकती है। राजस्थान कांग्रेस के लिए साल 2020 शुरू से ही खराब रहा है। साल के शुरुआत में ही सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट आपस में भिड़ गए थे, जिसके बाद पायलट अपने विधायकों के साथ कांग्रेस से अलग हो गए थे। हालांकि काफी सियासी ड्रामे के बाद पायलट कांग्रेस में वापस आए। पायलट को कांग्रेस आलाकमान की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि उनकी समस्याओं को जल्द ही सुलझाया जाएगा, लेकिन पायलट की समस्याओं तो दूर, पार्टी ने उनको ही साइडलाइन कर दिया और अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। ऐसी आशंका है कि पायलट फिर कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं और जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।